हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं फिलहाल छिंदवाड़ा में हूँ और ये जो ट्रिप है ये पूरा व्लॉग पचमढ़ी व्लॉग होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पूरी ट्रिप मेरे चूतिए दोस्तों के साथ प्लान करा है मैंने। अभी सबकी एंट्री होगी और मज़े करेंगे, जो भी व्यूज रहेंगे दिखाता हूँ। ये अभी देखो सारे खड़े पीछे, यश भाई हाय के लिए इंतजार कर रहे हैं लोग। फ्लैशबैक एंड मीट माय फ्रेंड यश। नमस्ते अंकल जी। ये मेरा सिंधी दोस्त और पंडित जी इज बैक अगेन। ब्लॉक नंबर टू, ब्लॉक नंबर टू में एंट्री। कच्चा कहाँ बन रहा है? सॉरी। ये हमारी नई एंट्री होने वाली है और ये रहे हमारे चचा। चचा वेलकम टू द व्लॉग। चलो अब आगे मिलते हैं। Few moments later. तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग सिवनी मेरे होम टाउन से निकले थे। हम लोगों ने कार रेंट पे ली है और पचमढ़ी ऑलमोस्ट वहाँ से 250-250 किलोमीटर था। तो अभी हम लोग हाफ वे कवर कर चुके हैं। अभी मटकुली है, मटकुली यहाँ पे मिडवे ट्रीट है, मस्त खाने आने को सीन हो जाता है यहाँ पे। और अभी यहाँ से पचमढ़ी 15-20 किलोमीटर और है, तो पहुँचते और पचमढ़ी में मिलते हैं। कोई ना, अभी पूरी सैलरी अपन वसूलेंगे। क्या क्या फोन बांटने वाला है वो? तो भाई तुम नोकिया में जॉब क्यों कर रहे हो जब नोकिया फोन नहीं बना रहे? तो और मैं बात जो हो गई नींद, ठीक है वड़ा पाव मिलेंगे, चिंता मत करो। और चचा बढ़िया। अरे इधर देखो यार, तुम शर्मा रहे हो कैमरे से। और ड्राइवर साहब इधर मत देखना, तुम इधर मत देखो। Few moments later. ड्राइवर साहब बहुत मजे मार रहे थे हरी सिंह के गाने में। ओ भाई फाइनली अभी हम लोग हमारे रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और रिजॉर्ट में चेक इन कर रहे हैं। तो मैंने चंपक बंगलो मध्य प्रदेश टूरिज्म का रिजॉर्ट है वो बुक करा था। चलो अभी आगे जाते हैं, अभी यहाँ पे फ्रेश होके लंच वंच करके हम लोग घूमना चालू करेंगे। ये रिसेप्शन एरिया और लाइक मैंने पूरे रिजॉर्ट सर्च करा था, पचमढ़ी का ये बेस्ट रिजॉर्ट है, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है ना। और ये जो इस साइड दिख रहे हैं ये पूरे रूम्स हैं और मैंने तो यहाँ पे कॉटेज बुक करा था। मैं आपको लाइक बुकिंग का पूरा इसमें डिटेल्स में बता दूंगा। पीछे पूरे कॉटेज है और 2 कॉटेज बुक करें क्योंकि हम लोग 6 लोग हैं। चलो अभी अंदर से मैं पूरा आपको रूम टूर दूंगा। बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है, काफ़ी बड़ी भी है। कॉटेज के अंदर एक चीज बस कर दीजिए, टॉवल ला दीजिए। टॉवल है लाने का? बारिश तो कपड़े भी जाते के जरूरी। हां तो लॉन्ड्री भी लगेगा हमें, बताना। नंबर क्या है रिसेप्शन का? नौ नंबर है। चलो कॉटेज का रूम टूर देते हैं और
ये रहा एंट्रेंस, अभी प्यारा सा मिरर है सामने पे, और ये रहा रूम। कैसा यश? बढ़िया है रूम? बढ़िया भाई, रूम बहुत अच्छा है। चाचा रूम कैसा है? ओ चाचा रूम कैसा है? अल्टीमेट। अरे टीवी में क्या देख रहे हो भाई? स्टार प्लस लगा के सीरियल चल रहा है। अनुपमा देख रहे हो इधर? है तो ये भी अच्छा लग रहा है। मस्त मिरर है ना, सेम ही है ना दोनों। और पंडित जी को भी रूम पसंद आते हुए, थैंक्स टू मी। और ये रहा वॉशरूम, बॉम्बिंग एरिया, इधर भी मस्त सा मिरर है। और इधर पीछे बालकनी वगैरह है क्या? नहीं, तो अभी फाइनली रेडी हो चुके हैं और अभी लंच करने जाना है। और मैंने डिसाइड करा है कि जितने भी फॉरेस्ट पॉइंट है, लाइक जहाँ हम अपनी कार से नहीं जा सकते, वो कवर करेंगे। ये सभी रेडी होके निकल रहे हैं। मैंने तो सेम कपड़े पहना है। मस्त था रूम टूर दिया मैंने, पसंद आया तो मस्त लाइक कमेंट करके बताओ। और चलो अभी लंच करने चलते हैं, मिलते हैं। लंच हो गया, अभी यहाँ से जिप्सी रेंट करना पड़ेगा। पचमढ़ी में ऐसा रहता है कि सभी प्लेसेस में आप अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है कि फोर व्हील होना या फिर बड़ी गाड़ी होना, छोटी गाड़ियों को तो पहले ही रुकवा दिया जाता है। सो कभी भी आओ तो बड़ी गाड़ी में आओ। हम बड़ी गाड़ी में आए थे और अभी गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ से कुछ फॉरेस्ट वाले एरिया में जिप्सी रेंट करना पड़ता है और फॉरेस्ट के कुछ परमिट लगते हैं, उन सब की डिटेल्स मैं अभी दूंगा। सो रिजॉर्ट का मैंने पूरा आपको टूर दिया है, बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, लाइक स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सब कुछ है। ट्राई करूंगा कि जिम अगर टाइम मिलता है तो करके देखेंगे यहाँ पे। ये जो है गेट है इसका, बाकी पूरी रोड्स ऐसी है पचमढ़ी में। काफ़ी अच्छी सिटी है पचमढ़ी, मेरे होम टाउन के तो 200 किलोमीटर्स में थी, ज़्यादा दूर नहीं है। सो ऐसा है कि वेकेशन वगैरह मनाना है तो काफ़ी अच्छी प्लेस है। ये जो है पूरे व्यू पॉइंट्स और घूमने की प्लेसेस इसका मैंने बता दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो फॉरेस्ट पॉइंट है और नॉन फॉरेस्ट पॉइंट दोनों अलग अलग है, सो आप देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आज हम पूरे लाइक नॉन फॉरेस्ट पॉइंट कवर करने वाले, उसमें जटाशंकर, पांडव गुफा, हांडी को। सो आज हम पूरे नॉन फॉरेस्ट पॉइंट कवर करने वाले, तो उसके लिए भी हमने जिप्सी यहाँ पर रेंट कर लिया, वो आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो जिप्सी हमें 2000 की पड़ी है और उसमें परमिट वगैरह उन्हीं लोग लेके आ रहे हैं। वड़ा पाव चलो। अबे इतना क्यों शर्मा रहे हो अखंड? नहीं नहीं भाई, गोवा में आ गए हो क्या तुम? यस भाई, हमने सोचा था तुम ट्रैकिंग वाले कपड़े पहनोगे, तुम गोवा वाइब्स लेके आ गए। Few moments later. Hello guys, welcome back to संस्कार व्लॉग्स। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई, दिखाओ फोटो। अभी हम भाई देखो भैया कहाँ लेके जा रहे हो, भैया बताइए, भैया आप बताइए आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी राजेंद्रगिरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, राजेंद्रगिरी एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ पार्क है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने हाथों द्वारा बनवाया था। हाथ से पहाड़ बनाया था? पता हरामी हो बेटा। नहीं, जो गार्डन है अच्छा, अच्छा उसे बनवाया था। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।